कैसे कैसे भाई साहब, ये वैरायटी हमने 11015 इस साल लेके लगाई है। इसका एक तो ब्यांत बहुत अच्छा है जी। देखो जी आप, चलो जी दिखाते हैं किसान भाइयों। यो देखो मोटा ठाड़ा पोवा है जी, और बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा है। किसी तरह का इंसेक्ट या पेस्ट किसी तरह से अंदर कुछ इसमें हो, कुछ नहीं है कहीं पे, साफ सुथरा चल रहा है। सबसे बड़ी बात है जैसो। नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्म विराटो चैनल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बरेली पली क्षेत्र के पचोनी गांव में आए हैं, और इधर देख सकते हैं आप ट्रैक्टर खड़ा है। इधर दो दवाइयों की ट्रायल चल रही है, एक हो गया आपकी क्रोजन और दूसरी की हेलीप्रो, एक ड्यूपोंट सॉरी क्या बोलते हैं FMC पटेरा होगी और दूसरी होगी आपकी हेलीप्रो। अभी जिस खेत में हम आ गए इसमें आप देख सकते हैं ये मुंजी वगैरह आपको दिख रही होगी, साथ साथ गन्ना लगा है। हमारे प्रगतिशील किसान यहाँ पे भाई सुरेंद्र जी हैं, और पूरी प्रॉपर जानकारी किस तरह से उन्होंने व्यवस्था करी है, कौन सी वैरायटी लगाई है, अभी क्या क्या कार्रवाई की है, पूरी प्रॉपर जानकारी आपको कराई जाती है पूरी टीम के साथ में। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, अपना परिचय करा दो एक बार जी। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है और गांव पड़ता है जी पचोमी, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली। जिला बरेली होगी जी। और ये हो गए जी ताऊ जी हमारे, नमस्कार जी। हाँ जी, और ये चौसा शाहपुर बनियान गांव है और तहसील भी इनकी फरीदपुर है और जिला बरेली है। जिला बरेली है जी। और ये भैया, मेरा नाम जीवन सिंह फौजी है और मैं ग्राम भगवानपुर भोलवा का रहने वाला हूँ। मैं डेमो देखने के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा जी। और 11015 वैरायटी का जो जर्मिनेशन देखने आया है, और अच्छा गन्ना यूपी क्षेत्र में ये सबसे कारगर साबित होगा अगले आने वाले टाइम में। और ये भाई जी ने लगा रखा है, भाई जी परिचय करवाओ थोड़ा सा, इस वैरायटी से परिचित करा दो, कौन सी वैरायटी कैसे कैसे व्यवस्था करी। ये वैरायटी हमने 11015 इस साल लेके लगाई है। इसका एक तो ब्यांत बहुत अच्छा है जी। देखो जी आप, चलो जी दिखाते हैं किसान भाइयों। यो देखो मोटा ठाड़ा पोवा है जी, और बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा है। किसी तरह का इंसेक्ट या पेस्ट किसी तरह से अंदर कुछ इसमें हो, कुछ नहीं है कहीं पे, साफ सुथरा चल रहा है। सबसे बड़ी बात है जैसो एक चीज देखने में आ रही है, 11015 लोग कहीं कहीं से व्यवस्था कर रहा है, कोई कहीं से व्यवस्था कर रहा है, तो जमाव वगैरह बिगड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई जमाव नहीं बिगड़ रहा, बिल्कुल निश्चित तौर पे 95% जर्मिनेशन कम से कम मैं कह सकता हूँ, सही है जी। और यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे क्या है क्या नहीं, यहाँ पे पाइपलाइन दब भी गई है बीच से, खेत के बीच से, तो इसलिए आपको ये पोर्शन थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। बाकी इसमें भी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो भाई जी अब एक चीज़ मुझे बताओ, इस खेत में इससे पहले था क्या? इस खेत में जी पहले मैंने आलू लगाए जी। अच्छा जी। और आलू के बाद मैंने सीधा गन्ना बो दिया जी। अरे ये मुंजी क्यों दिख रही है मुझे इसमें? ये जी आलू से पिछली बार इसमें दान थे जी, पिछली साल के दान अब दिख रहे क्या बात, इसके जुताई नहीं हुई थी क्या बात? जुताई दिख रही जी, ऐसे काम चला दिया हमने। तो ये आलू में भी दिखी थी मुंजी की बोल? नहीं आलू में नहीं दिखी थी, अब जमी है दोबारा। अच्छा बीच बार बहुत लंबे टाइम जाके तो ये खेत जोता ना फिर आपने? नहीं खेत नहीं जोता जी, मैंने ऐसे। आलू कैसे निकला? मशीन से कराएंगे ना, मैनुअल हाथ से? मशीन से खुदवाए थे, और उसके बाद में सीधे खुर निकाल दिया आपने? निकाल के गन्ना बो के जी पानी लगा दिया। एक मिनट, कुछ जोता तो होगा भी, झूठो सचो नहीं? जूतों में मशीन से गया था, नहीं जो बोया आपने गन्ना बोया तो बिना जोते ही? सर कैसी मट्टी आ गई हो? देखो जी जोता भी नहीं, नहीं जोत ही नहीं रखा हो तो मैं देख रहा बिल्कुल टपड़ा हार्ड पड़ा है, सारा हार्ड पड़ा है, जो तो रखा ही नहीं आपने। ये बात तो हकीकत है, पर ये मिट्टी क्यों रेसली मिट्टी कैसी मिट्टी है जी आगे? अच्छा लेजर पे क्या आदमी बैठा रखे? सादा लेजर ही होगा ना? सादा लेजर था जी, दो आदमी बिठा के। दो आदमी बैठा के फुट खींच दिए जी, नरम खेत फुट गहरा है कैसे? ये गहरा तो नहीं जी, सादे लेजर से बोया जी मैंने, 4 फीट पे कर लिया। ये क्या बताओ आई पे करा आपने काम क्या? हाँ जी पानी दे रखा था पहले आपने? नमी थी जी पहले, भरपूर नमी थी, भरपूर नमी थी जब आपने कटी सॉरी आलू निकाल ले जो, उसके बाद सीधे खुड़ निकाल दिए बस। ओके, और मट्टी कैसे दी थी फिर? मट्टी तो हाथ से डलवाई थी बच्चों। अच्छा बीज तो बहुत महंगे महंगे ढूंढने पड़ रहे हैं जी? बीज तो पूछो मत जी, महाराष्ट्र से मंगाया, 3500 रुपए क्विंटल बीज मिले। 3500 रुपए क्विंटल लुटाई होगी जी बिहारी, तो इतना महंगा बीज जो क्या बड़े, ये तो हीरे जवाहरात बना रखे हैं जी, सोना बढ़ा दिया सोना, मोदी तेरे राज में देख तो ले जी क्या हालात है, क्या हालात। देखो जी अच्छे पहले किसान व्यापारी बन गए इसमें, तो बाकी में इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी, पट्टी काट दी। अच्छा कितना पोर्शन बो रखा आपने? मैं तो एक बात कहूं जी, मैं तो किसान की सेवा करूं जी, मिल रेट पे दूंगा, कोई भी किसान भाई आवा तो भाई यूपी से मिल रेट में। हाँ जी बहुत बढ़िया जी, पहले किसान जिन्होंने फसल लगा के घोषणा कर दी वो भी नई बीज की मील रेट पे, मील रेट पे देंगे जी, 3500 रुपए क्विंटल खुद लेके आया हूँ, मील रेट पे देंगे जी, मील रेट पे देंगे, सेवा करेंगे किसान की जी। आजी चलो पहले तैयार कर लो सर, जबकि जब देखेंगे करवाएंगे इसका भी कुछ ना कुछ। बाकी पहले किसान है जिन्होंने 3500 रुपए क्विंटल लाके भी
और सबको बता इसमें क्या बात होगी, इससे कम पे मिली नहीं रहा गई, वो ठंडी चमन्नी वाला काम है नहीं मिला ही नहीं। बाकी जर्मिनेशन अच्छा है, क्या कितना पोर्शन बताया आपने? ये हो गया जी 5 बीघे के करीब। और अभी ये खुरपा चला अभी इसमें, और बुआई कितना टाइम हो लिया? एक महीना हो गया जी इसको। और इसके बोते टाइम क्या क्या चीज चली थी आपने? हमने जी बोते टाइम एक कट्टा डीपी का 6 बीघे का जी, आधा कट्टा पोटास का, और हमने एक टाल स्टार इस्तेमाल करी है जी, जो स्प्रे किया जी टाल स्टार का, और डेंटोर्स हुआ जी। अच्छा जी, और कुछ नहीं डाला। डेंटोर से तो मेरे ख्याल से जमीन नीचे से काम करे, सफेद गिटार वगैरह ओके, और हमने स्प्रे करवा दिया जी। अच्छा, गन्ने पे, गन्ने पे स्प्रे करी थी, स्प्रे करवाया। गिटार की समस्या यहाँ पे? यहाँ गिटार की समस्या है जी, सूर की भी समस्या है, गिटार की भी समस्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए जी हम लगाते हैं डेंटोर। फिलहाल तो इसमें कोई समस्या मेरे को दिख नहीं थी, बिल्कुल अच्छा वाला। यूरिया लगा के बाद पानी पत्ता लगाया एक दो? हाँ जी, इसमें दो पानी लगा दिए। दो पानी आप लगा चुके, और अब क्या कार्रवाई होगी आगे की? अब आगे की कार्रवाई है जी, इसमें पानी लगा के दोबारा फिर खुदाई करवा देंगे इसकी, हल्की सी यूरिया मार देंगे। यूरिया मार देगा ऐसा कुछ तुम्हारे? ये जो आपने आज छेड़ा ही नहीं करेंगे, छेड़ा ही नहीं नहीं मोथा तो होगा नहीं, जूत के दो जल्दी जल्दी नहीं कटता, तो दब दब रहा इसका बढ़िया वैसे। तो किसान भाइयों आगे की कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं, 25 से 30 दिन में एक विजिट और होगी इस खेल के, फिर से परिणाम दिखाएंगे। उससे पहले पहले चैनल सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, और कमेंट वगैरह जरूर करियो, और अपना बीज भी सुनिश्चित कर लियो इनसे, यो भाली बक्की। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भाई जी, नमस्कार, नमस्कार।